ॐ काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं ॐ नमो भगवते रुद्राय उड्डामहेश्वराय बहुरूपाय नानारूपाय हस हस नृत नृत तोद तोद नाना कौतुकेन्द्र जाल दर्शकाय ठा ठा स्वाहा। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मकर संक्रांति 15 तारीख को आने वाली है और इस मुहूर्त में आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिस उपाय से जीवन भर भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, चलाई गई बाधा, खिलाई गई बाधा, शत्रु के घात से मुक्ति आप पा सकते हैं और ऐसा उपाय कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी शत्रु आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ना तो टोना टोटके का प्रहार कर पाए और ना ही जादू टोने का प्रहार कर पाए, ना ही अपघात कर पाए, पीठ पीछे वार ना कर पाए। कहने का मतलब हमारा यह है, खासकर तंत्र मंत्र संबंधित आज हम आपको ऐसा ही एक उपाय बताने वाले हैं और एक बड़ा ही गुप्त मंत्र है और इतना छोटा सा मंत्र, सिर्फ 5-6 अक्षर का मंत्र है। यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका मकर संक्रांति के दिन जाप कर लेते हैं, समझ लीजिए आप परिपूर्ण हो जाएंगे कि स्वयं की बाधा आपकी खत्म हो जाएगी और इस उपाय का आप परोपकार में भी प्रयोग कर पाएंगे। और ज़्यादातर हमारा मानना है कि परोपकार में यदि हम किसी भी विद्या का, किसी भी तंत्र का, किसी भी भावना का प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए उन सब में 10 गुना शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। यदि एक व्यक्ति को आप ठीक करने का प्रयास करते हैं और वह ठीक हो जाता है तो उसका पुण्य तो आपको मिलता ही है, लेकिन जिस विधि के द्वारा आप उस व्यक्ति को ठीक करते हैं उस विधि में अपने आप ही 10% शक्ति एक्स्ट्रा मिल जाती है। और आप सोचिए यदि आप हजारों लाखों लोगों का परोपकार करेंगे तो आपकी शक्ति फिर अनंत होती चली जाएगी। खासकर भगवान का नाम लेकर जहां आप दूसरे का परोपकार करने का प्रयास करते हैं, भगवान के नाम कुछ भी हो सकते हैं, कोई शावर मंत्र हो सकता है, कोई पौराणिक मंत्र हो सकता है, कोई दैवक मंत्र हो सकता है। तो आज हम आपको एक मंत्र भी बताने वाले हैं और एक विशेष उपाय भी बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए मकर संक्रांति साल में एक ही बार आती है, मतलब साल में सिर्फ एक मौका। यदि इस मौके को आप चूकते हैं तो फिर साल भर इंतजार करना पड़ता है। हमने कई वीडियो में आपको बताया होगा कि कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं, इन मुहूर्त में यदि हम कोई मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की संख्या तो आधी हो ही जाती है। संख्या का मतलब जैसे आम समय में या कुछ अन्य मुहूर्तों में किसी मंत्र का हम जापन करते हैं तो 1,25,000 जप करने में हमको फल मिलता है, कुछ मंत्रों में 11,000 जप करने से फल मिल जाता है, कुछ मंत्रों में 51,000 जप करने से मिल जाता है। लेकिन कुछ विशेष मुहूर्तों में आप मंत्र का जाप करते हैं तो इन सब का आधा, यदि 11,000 था तो उसका आप 5,000 5,500 भी 5,100 ही जप कर देंगे तो आपको 11,000 जप के जितना फल मिल जाता है। मकर संक्रांति के दिन हम आपको एक औषधि लाने की विधि बताने वाले हैं और इस औषधि से आप किसी भी भूत प्रेत बाधा का सत्यानाश कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक विशेष मंत्र लगाने की आवश्यकता होती है और इस मंत्र का जैसे ही आप प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए भूत प्रेत बाधा हो, चाहे चलाई गई बाधा हो, मरण मूठ जैसे तंत्र हो, उच्चाटन तंत्र, आजकल तो वशीकरण मंत्र हर कोई जानने लगा है, सभी प्रकार की तंत्र विद्याओं का काटन इस मंत्र से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है वह औषधि? उस औषधि का नाम है सत्यानाशी। नाम से ही आप समझ गए होंगे सत्यानाशी सभी चीजों का नाश करने वाली औषधि, खासकर यह रोगों का सत्यानाश करती है। एक दुर्बल व्यक्ति जो तरह तरह के रोगों से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को यदि हम सत्यानाशी की जड़ और बरगद का थोड़ा सा दूध दोनों को मिला के एक चने की साइज में डेली देना शुरू कर देते हैं, उसके असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, दुर्बल शरीर मजबूत हो जाता है और वह इंसान चलने फिरने लायक हो जाता है
और उसका शरीर धीरे धीरे पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सत्यानाशी का उपयोग हम किसी एक विशेष रोग में करें, वैसे इसके विशेष रोग निर्धारित हैं, लेकिन आप किसी भी रोग में सत्यानाशी का उपयोग कर सकते हैं। यह सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाली औषधि मानी जाती है और आयुर्वेदिक में इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है। गांव देहात के लोग इस औषधि का बहुत प्रयोग करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की व्याधि हो इस औषधि से समाप्त हो जाती है। तो सभी प्रकार की रोग व्याधियों को शांत करने के अलावा यह सभी प्रकार के भूत प्रेतों का भी शमन करती है, क्योंकि भूत प्रेत जब हमारे शरीर में प्रभाव डालते हैं, नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रभाव डालती है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में रोग भी उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो उन सभी प्रकार के रोगों से यह औषधि हमको मुक्ति दिला देती है। लेकिन इसका यदि आप तंत्र की तरह प्रयोग करेंगे तो सभी प्रकार के भूत प्रेत और सभी प्रकार की बुरी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। औषधि लाने की भी विधि आपको बताते हैं और इस मंत्र का प्रयोग भी बताते हैं और झाड़ा कैसे लगाना चाहिए इस विषय में भी हम बात करते हैं। वैसे तो यह है जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं, यह रावण कृत मंत्र है, रुद्र भगवान का मंत्र है, महेश्वर भगवान का मंत्र है, शिव जी का मंत्र है और इसकी रचना शायद अब पूर्व काल तो नहीं कह सकते, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यह रावण कृत मंत्र है, इसकी रचना रावण ने ही की थी। चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं और फिर हम इसकी आपको विधि बताते हैं। ओम नमो भगवते उड्डामहेश्वराय कुहिनी कुरबली स्वाहा। पांच बार अपन श्रवण करेंगे ताकि आपको श्रवण करते करते ही मंत्र कंठस्थ हो जाए। ओम नमो भगवते उड्डामहेश्वराय कुहिनी कुरबली स्वाहा। ॐ नमो भगवते उड्डामहेश्वराय कुहिनी कुरबली स्वाहा। ॐ नमो भगवते उड्डामहेश्वराय कुहिनी कुरबली स्वाहा। इस तरह का यह मंत्र है, इसका आप कहेंगे तो हम श्रवण भी उपलब्ध करा देंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के रिलीज होने से पहले इसका हम श्रवण आपको उपलब्ध करा सके, क्योंकि इस मंत्र को लगातार कोई आंख बंद करके शिव जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र को श्रवण करता है या जापन करता है तो समझ लीजिए उसके अंदर तमाम प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, शत्रु के द्वारा प्रयोग की गई बाधा होती है, तो उन सभी प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाता है। उसका कारण भी है, तंत्र मंत्र के जनक भगवान शिव ही माने जाते हैं। इस संसार में जितने भी तंत्र मंत्र हैं, चाहे सावर मंत्र ले लीजिए या वैदिक पुराणिक मंत्र ले लीजिए, इन सब का उल्लेख कहीं ना कहीं शिव जी से संबंध रखता है कि इन सब की रचना या इन सब का ज्ञान शिव जी ने ही दिया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस मंत्र की शक्ति भी कैसी होगी, क्योंकि इसमें तो शिव जी का नाम ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, मंत्र आप ध्यान से कंठस्थ करिएगा। अब चलिए हम औषधि की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा सत्यानाशी का पेड़ इस तरह का होता है। संक्रांति का दिन विशेष दिन माना जाता है, इस दिन किया गया कार्य कभी भी विफल नहीं होता और शंकर जी के लिए यह विशेष दिन माना जाता है, गंगा मैया के लिए भी विशेष दिन माना जाता है। संक्रांति के दिन यदि हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान कर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं तो वैसे ही शिव जी की कृपा हमें मिल जाती है, लेकिन हमें आज तंत्र करने की आवश्यकता है। तो संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद शिव जी का आपको विधि विधान से पूजन करना है। पूजन उनका आप जानते ही होंगे, स्नान ध्यान कराना है, अक्षत पुष्प अर्पण करना है, परिक्रमा आदि ही करनी होती है, धतूरा मदार के पुष्प अर्पण करने, भगवान से प्रार्थना करनी है और जो कि हमने आपको मंत्र बताया है इस मंत्र का आप सुबह ही टाइम जप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। 11 माला जप करें, मंदिर में व्यवस्था है तो मंदिर में कर लें, नहीं तो घर में भी इस मंत्र की आप 11 माला जप कर सकते हैं। और 11 माला जप करने में इस मंत्र की, इतना छोटा मंत्र है कि सिर्फ आपको 1 से 1.5 घंटे, अति हो गई तो 2 घंटे लगने वाला है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला क्योंकि बहुत छोटा मंत्र है और इतना फास्ट आप पढ़ सकते कि आराम से 1 घंटे 1.25 घंटे में यह मंत्र आपका पूरा हो जाएगा।
मंत्र का पूरा जाप करने के बाद मंदिर में यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ हवन की व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं आप वहाँ थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और इसी मंत्र का आप एक माला हवन कर दीजिए। घर में कर रहे हैं तो घर में ही सेम क्रिया करनी है, शिव जी का एक चित्र रख लीजिए, उनका स्नान ध्यान कराइए, नैवेद्य धूप दीप अर्पण करिए, इस मंत्र का जाप करिए और थोड़ा सा आप हवन कर लीजिए साधारण विधि से, पंचोपचार नहीं करिए क्योंकि सभी को पंचोपचार नहीं आता, और यदि आप ज्ञानवान हैं पंचोपचार जानते हैं तो पंचोपचार से भी पूजन कर भगवान शिव का अग्नि का पूजन कर और इस मंत्र की आप आहुतियां एक माला डाल सकते हैं 11 माला जप करने के बाद। बस यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब आती है आपको औषधि लाने की विधि, तो आपको देखना है सत्यानाशी का पौधा स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इस पौधे को आपको तलाश करना है, एक लोटा जल हाथ में ले लेना है, एक दीपक ले लेना है, थोड़ा सा तिलक हल्दी चावल पुष्प ये सारी चीजें ले लेनी है। औषधि के पास आपको जाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यह क्रिया आप करें तो आपको कोई निहार ना रहा हो, आपको कोई देख ना रहा हो, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा सा एकांत में बगीचा में खेतों में कहीं भी सत्यानाशी का खरपतवार के रूप में देखिए पौधा हो जाता है तो आप उसकी जड़ को बाकायदा धन्वंतरी महाराज का ध्यान करते हुए और उसको स्नान कराइए, जल में पानी अर्पण करिए, उसके बाद एक मोली धागा उसके ऊपर बांधिए और उसको अक्षत पुष्प सारी चीज़ें नैवेद्य धूप दीप वगैरह दे के और उससे प्रार्थना करिए और वहाँ से चले आइए। प्रार्थना क्या करनी चाहिए? प्रार्थना ये करनी चाहिए कि महाराज धन्वंतरी जी, आपकी यह औषधि है, इसको हम रात्रि काल में लेने आएंगे और इस औषधि में इतनी शक्ति आप भर दें, इतनी ऊर्जा भर दें कि हर प्रकार की रोग व्याधि को यह औषधि समाप्त कर दे, हर प्रकार की प्रेत व्याधि को समाप्त कर दे, दैहिक दैवक भौतिक सभी प्रकार के तापों को समाप्त करने की क्षमता इस औषधि में आ जाए। ऐसा प्रार्थना अपने शब्दों में आप कर कर वहाँ से वापस आ जाइए। शाम को रात्रि के समय 6 के बाद सूरज ठंडियों में हो जाता है तो आप 7 बजे तक का भी इंतजार कर सकते हैं। रात्रि काल में किसी लकड़ी का औजार लीजिए, लोहे के अस्त्र को इस्तेमाल नहीं करना है, लकड़ी का औजार लेना है और जाके फिर से एक लोटा जल उसकी जड़ में डाल प्रवाहित करने के बाद फिर से प्रार्थना करने के बाद उसकी जड़ को हमको खोद के घर लाना है। डंठल वगैरह बाकी उसके पंचांग वगैरह को आप वहीं छोड़ सकते हैं, सिर्फ हमें जड़ को ही लाना है। और बड़ा पौधा देखिएगा जिसमें लगभग 2-4-6-10 इंच की जड़ आपको आसानी से मिल जाए। आप यह विधि 2-3 पौधों में भी कर सकते हैं क्योंकि यह औषधि आपको साल भर इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो 2-4 पौधों 5 पौधों के साथ भी यह क्रिया आप कर सकते हैं। औषधि को अपने घर लाइए, उसको शुद्ध जल से पहले स्नान कराइए, इसके बाद गंगा जल से स्नान कराइए, थाली में रखकर किसी बर्तन में रखने के बाद दूध से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, इसके बाद उसको तिलक करिए, तिलक करने के बाद उसके ऊपर अक्षत पुष्प सारी चीज़ें अर्पण करिए, धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पण करिए, उसकी बाकायदा जैसे हम किसी प्रतिमा की पूजा करते हैं, चित्र की पूजा करते हैं, सेम पूजा आप औषधि की करिए। इसके बाद आप संक्रांति के दिन उसे भगवान शिव के चरणों में, यदि आपने अपने घर में चित्र स्थापित कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी मंदिर में भी उस औषधि को भगवान शिव के चरणों में लिंगी के आसपास पिंडी के आसपास उसे किसी काले वस्त्र में लपेट कर वहाँ रख सकते हैं और सुबह आप उस औषधि को आप मंदिर में रखे हैं तो वापस ले आइए, घर में रखी है तो उठा दीजिए स्नान ध्यान करने के बाद और उस औषधि को इसी मंत्र को पढ़ते हुए ओम नमो भगवते उड्डा महेश्वराय कुहनी कुर्वली स्वाहा इस औषधि मंत्र को पढ़ते हुए कम से कम 108 बार पढ़ते हुए औषधि को अपने दाहिने हाथ में लेकर औषधि को अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के बाद अब यह औषधि भी आपकी तैयार है, मंत्र भी तैयार है। जब भी आपको झाड़ा लगाना हो तो इसी औषधि को आप हाथ में पकड़िए, इस मंत्र को पाठन करिए और इस औषधि से आप झाड़ा लगाइए, हो सके तो शरीर में उसके टच भी करा के आप स्पर्श करा सकते हैं औषधि को। और जैसे ही इस औषधि से आप झाड़ा लगाना शुरू करेंगे, दुनिया का किसी भी प्रकार का तंत्र हो, भगवान शिव के सामने थोड़ी टिक सकता है वो, और किसी भी प्रकार का भूत प्रेत हो, नकारात्मक शक्तियाँ हों, बुरी आत्मा हो, किसी भी प्रकार की व्याधि हो, उस व्याधि का समन आपके इस झाड़ा लगाने के साथ ही खत्म हो जाएगा और शीघ्र ही व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। इस औषधि के द्वारा आप रोगों में भी झाड़ा लगा सकते हैं, तरह तरह के रोग होते हैं शरीर के इंसान में, सिर दर्द, आँखों का दर्द, दांत का दर्द, घुटनों का दर्द, गठियावाद, बवासीर, हजारों प्रकार के देखिए रोग होते हैं, किसी भी रोग में इस औषधि से आप झाड़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि ऐसी शंका है कि बार बार हमारे ऊपर शत्रु टोने टोटके का प्रहार करता है,
तरह तरह के घात प्रयोग करता है। तो इस औषधि को, इसी मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार पढ़िए, थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए और इसी मंत्र को पढ़ते हुए 5 से 11 इकाई संख्याओं जो भी आपको डालनी हो डाल दीजिए अग्नि में, और इस जड़ी को, थोड़े से टुकड़े को उसमें अग्नि में थोड़ा सा धुएं में दिखाइए, और एक ताबीज लीजिए जो कि कापर की होनी चाहिए और अन्य ताबीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, चांदी का भी उपयोग आप कर सकते हैं, उसके अंदर इस जड़ी को डाल दीजिए, थोड़ी सी भस्मी जो आपने हवन करी है उसमें राख तो बनेगी स्वाभाविक है, थोड़ी सी अग्नि सी भस्मी निकालिए किनारे से, और खासकर पूरा या उत्तर के कोने से निकालिए और उसको उसमें ताबीज में डाल दीजिए, और डालने के बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस ताबीज में, इस बीरा में इतनी शक्ति दे दें कि कोई भी शत्रु घात न कर पाए, कोई भी बुरी आत्मा शरीर को स्पर्श न कर पाए, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से दूर हो जाए। इस तरह अभिमंत्रित करके उस ताबीज को आप धारण करवा दीजिए। निश्चित मानिए और विश्वास करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चलती हैं विश्वास से। जब तक आपका मंत्र औषधि के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप उसको पूर्ण विश्वास के साथ गले में धारण करिए, निश्चित ही आपके शरीर का सुरक्षा कवच बन जाएगा और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं आ पाएगी। वैसे भी सत्यानाशी की जड़ का हम संक्रांति के समय में या दीपावली के समय में निकलवा कर हमारे नारसिंह कवच में भी इस औषधि का प्रयोग करते हैं। तो आप खाली इस औषधि का यदि प्रयोग करते हैं ताबीज में, तब भी आपके शरीर पूरी तरह सुरक्षा होगी और कोई भी बुरी शक्तियां आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी। इसके अलावा इस औषधि को जल में डुबाकर उस जल को पान कराने से भी भूत व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। बहुत आसान प्रयोग है, देखिए इतना आसान प्रयोग आप यदि नहीं कर पाएंगे तो अपने जीवन में फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आसान प्रयोग आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारे मंत्र होते हैं, लाखों की संख्या, 10,000 की संख्या, कहीं कुछ करना पड़ता है, उतना जप करना सबके बस की बात नहीं होती। हाँ, आप जो घर परिवार से दूर है सिर्फ साधनाओं के पीछे है वो कर सकता है, तो जब वो साधनाओं के पीछे है तो फिर वो साधनाओं में लीन हो जाएगा, फिर परिवार की जिंदगी उसकी नहीं रह जाती, तो वो विषय अलग हो जाता है। बहुत आसान प्रयोग है, इतने सारे तंत्र मंत्र आप यूट्यूब में देखते हैं, तरह तरह के प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं, तो इस उपाय को करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और हमारा पूर्णतया विश्वास है, पूर्णतया भगवान से प्रार्थना भी है कि सबके लिए यह उपाय सफल हो। हम इस उपाय का अधिकतर प्रयोग करते हैं झाड़ा फूंकी में, तो हमें कभी इस उपाय से विफलता हाथ नहीं लगी और आपको भी नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि भगवान जहाँ रुद्र का नाम जुड़ा हो, महेश्वर का नाम जुड़ा हो, वहाँ विफलता हाथ नहीं लगती, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। सत्यानाशी का पौधा स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, नहीं वैसे अधिकतर लोग जानते होंगे, इसके बहुत सारे औषधि प्रयोग भी हैं, कोई औषधि प्रयोग जानना चाहेगा तो हम आपको बता देंगे। खास बात, पीलिया एक विशेष रोग होता है, उस रोग को झाड़ा लगाने में भी इसी मंत्र का, इस औषधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।